है मौत सस्ती। दुनिया को अलविदा कहने की तैयारी कर चुके थे। गुरुदत्त ने तन्हाई में इस दुनिया को अलविदा कहा। गुरुदत्त की आखिरी रात का एक एक राज का खुलासा किया उनके दोस्त अब्राल अलवी ने। गुरुदत्त ने अपनी छोटी सी जिंदगी में दो बार जान देने की कोशिश की, लेकिन 9 अक्टूबर 1964 की रात होने को कुछ और ही मंजूर था। गुरुदत्त ने कई लोगों को फोन किया, अपने पास आने को कहा, लेकिन कोई नहीं आया। वक्त 7:00 PM। 9 अक्टूबर गुरुदत्त के दोस्त और स्क्रिप्ट राइटर अब्रार अलवी काफ़ी वक्त उनके साथ थे। वो 7 PM उनके घर पहुंचे। गुरुदत्त बेचैन लेकिन खामोश थे। मुंबई के पैडर रोड में आई ग्रोव फ्लैट में गुरुदत्त के साथ उनका सहायक रतन भी मौजूद था। रतन के मुताबिक गुरुदत्त 5:30 PM से पी रहे थे। वक्त 10:00 PM। गुरुदत्त ने पत्नी गीता दत्त को फ़ोन किया और कहा कि बेटी से मिलना चाहते हैं। शादी टूटने की कगार पर थी। गीता से लोक झोंक बढ़ गई। गुरुदत्त का मूड बिगड़ गया और तब उन्होंने कहा कि बच्ची को भेज दो या फिर तुम मेरा मरा मुंह देखो। वक्त 12:00 PM। रात करीब 12:00 PM गुरुदत्त खाने के लिए तैयार हुए, लेकिन खाते खाते 1:00 PM। खाने से पहले फिर से शराब पी। तब अब्रार अलवी ने गुरुदत्त को आखिरी बार देखा। गुरुदत्त ने अब्रार अलवी को कहा कि वो सोना चाहते हैं और फिर वो अपने रूम में चले गए। वक्त 3:00 PM। गुरुदत्त के सहायक रतन के मुताबिक गुरुदत्त कमरे से बाहर आए और विस्की मांगने लगे। रतन ने जब मना किया तो खुद बोतल ढूंढने लगे और उसे लेकर अपने कमरे में चले गए। दरवाज़ा बंद कर लिया। 10 अक्टूबर 1964 सुबह 10:00 PM। इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। अगली सुबह गीता दत्त ने काफ़ी फ़ोन किए, लेकिन गुरुदत्त नहीं उठे। दरवाज़ा तोड़ा गया तो देखा बिस्तर पर गुरुदत्त का शव पड़ा था। पास में बोतल और नींद की गोलियों की शीशी पड़ी थी। गुरुदत्त हिंदी फिल्मों के पहले मिस्टर परफेक्ट्रिक्स, लाजवाब एक्टर, उससे भी बेहतरीन डायरेक्टर, गुरुदत्त वाकई बॉलीवुड के गुरु थे। गुरुदत्त अपने ज़माने से काफ़ी आगे की सोचते थे और अपने फिल्म में नए नए प्रयोग करते थे। अपनी फिल्म प्यासा के नाम की तरह अपनी हर फिल्म में कुछ नया करने की, उनके प्यार को देखकर ही लोग उन्हें कहने लगे थे एक था प्यासा। कहते हैं हिंदी फिल्मों का गोल्डन ईरा यानी सुनहरा दौर गुरुदत्त की फिल्मों के साथ शुरू हुआ। 1950 और 1960 के दशक में गुरुदत्त की फिल्मों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल कर रख दी। चौधरी का चांद, कागज के फूल और साहिब बीबी और गुलाम में हिंदी फिल्मों की परिभाषा ही बदल दी। एक शानदार एक्टर, एक बेहतरीन डायरेक्टर और संजीदा इंसान, इसी का नाम है गुरुदत्त। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा और कागज़ के फूल को टाइम मैगजीन ने दुनिया भर की 100 बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया है। साल 2010 में CNN ने गुरुदत्त को एशिया के 25 टॉप एक्टर्स में से एक माना। लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा कि जिस गुरुदत्त के अभिनय और निर्देशन का दुनिया लोहा मानती है, उन्होंने अपना फिल्मी सफ़र एक कोरियोग्राफर के तौर पर शुरू किया। सन 1945 में फिल्म हम एक है के जरिए गुरुदत्त ने हिंदी फिल्मों में अपना पहला कदम रखा। इसके बाद गुरुदत्त की पहचान तब हुई जब उन्होंने 1951 में सिर्फ 26 साल की उम्र में नवकेतन प्रोडक्शंस की फिल्म बाजी का डायरेक्शन किया। इसके बाद फिल्म आर पार और मिस्टर एंड मिसेस 55 के टपोरी नायक के तौर पर गुरुदत्त की एक्टिंग को खूब सराहा गया। लेकिन 19 फरवरी 1957 को रिलीज हुई फिल्म प्यासा ने वाकई गुरुदत्त को फिल्मी दुनिया का गुरु बना दिया। उस वक्त ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि मिस्टर एंड मिसेस का टपोरी फिल्म प्यासा के विजय का किरदार अदा कर सकता है। भारत के अलावा फ्रांस में भी फिल्म प्यासा बेहद हिट रही। कहा जाता है कि फिल्म के गाने जिन्हें ना सहे हिंद पर सुनकर
तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत रोए थे, लेकिन प्यासा की विजय का किरदार उस इंसान के लिए मुश्किल नहीं था जो खुद बचपन में काफी उदास और गुमसुम रहता था। 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में जन्मे गुरुदत्त का बचपन काफी मुश्किलों भरा था। गुरुदत्त को पैसे की कमी से मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बचपन में अपने छोटे भाई की मौत से गुरुदत्त के लिए जिंदगी के शुरुआती अनुभव काफी कड़वे रहे। शुरुआत में गुरुदत्त का नाम वसंत कुमार था, लेकिन बचपन में ही एक एक्सीडेंट के बाद घर वालों ने उनका नाम बदलकर गुरुदत्त रख दिया, और शायद इसी बदले हुए नाम ने उनकी जिंदगी भी बदल दी। बचपन में लाइट जाने पर दिए की रोशनी के सामने उंगली की परछाइयों से दीवारों पर आकृति बनाने वाला नन्हा गुरुदत्त अपनी फिल्मों में लाइटिंग के नए नए प्रयोग करने के लिए मशहूर हुआ। फिल्म कागज के फूल का गाना वक्त ने किया क्या हसीन सितम की लाइटिंग ने उस जमाने में सबको चौंका दिया था। फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। प्यासा के 2 साल बाद बनी ये फिल्म बहुत हद तक गुरुदत्त की असल जिंदगी की कहानी थी। गुरुदत्त अक्सर कहा करते थे कि जिंदगी में दो ही चीजें हैं, कामयाबी और नाकामी। इन दोनों के बीच में कहीं भी कुछ भी नहीं। ये बात उन्होंने चौधरी के चांद की कामयाबी और कागज के फूल की नाकामी की बात कही। कागज के फूल दर्शकों को पसंद नहीं आई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। इस फिल्म के बाद गुरुदत्त कभी उस डायरेक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठे। इस पर बैठे बैठे फिल्म के हीरो सूरज सिन्हा की मौत हुई थी। साल 2011 में प्यासा को टाइम मैगजीन ने 10 बेस्ट रोमांटिक फिल्मों में शामिल किया। पर्दे पर वहीदा रहमान और मीना कुमारी के साथ गुरुदत्त की रोमांटिक जोड़ी बहुत हिट थी, लेकिन असल जिंदगी में गुरुदत्त का रोमांस शुरू हुआ फिल्म बाजी से। बाजी फिल्म के इसी गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान दत्त साहब की मुलाकात अभिनेत्री और गायिका गीता रॉय से हुई। गीता उस जमाने में दिलकश आवाज की मलिका थी। रिकॉर्डिंग के सेट पर दोनों की चंद मुलाकातों के बाद तकदीर ने तकदीर की इबादत लिख दी। गुरुदत्त गीता के मखमली आवाज के मुरीद हो गए। बतौर गायिका गुरुदत्त ने गीता रॉय को अपनी फिल्म बाज में भी ब्रेक दिया। गीता रॉय की खनकदार आवाज पर गुरुदत्त दिल दे बैठे। 2 साल बाद 1953 में गुरुदत्त ने गीता रॉय से शादी कर ली। शादी के बाद गुरुदत्त और गीता रॉय का शुरुआती सफर काफी उथल पुथल भरा रहा। लव मैरिज होने की वजह से इन दोनों के परिवार शादी के खिलाफ थे, लेकिन गीतों की ही तरह गीता दत्त ने इन परिवार को भी खूबसूरती से संवारा। गुरुदत्त ने अपने फिल्मों में गीता की आवाज का इस्तेमाल किया, लेकिन शादी के बाद गीता पर दूसरे बैनर तले गाने पर पाबंदी लगा दी। हालात ये थे कि चोरी छुपे गीता अपने गानों की रिकॉर्डिंग के लिए जाती, दौड़ते भागते शाम से पहले घर पहुंच जाती ताकि गुरुदत्त को पता ना चल सके। गुरुदत्त को अकेलापन पसंद था। वो अपनी फिल्मों को बनाने में इतने डूब जाते थे कि उन्हें अपने परिवार को वक्त देने में भी दिक्कत होती। वहीं गीता को सबके साथ मिलने जुलने में ज्यादा खुशी मिलती। शादी के 4 साल बीतते बीतते गीता की जिंदगी में एक नई उलझन की एंट्री हुई। 19 फरवरी 1957 फिल्म प्यासा रिलीज हुई। फिल्म में गुरुदत्त हीरो थे और हीरोइन थी वहीदा रहमान। इस फिल्म के सेट पर गुरुदत्त ने वहीदा की आंखों में अपना दिल बसा लिया। प्यासा से शुरू हुई गुरुदत्त वहीदा रहमान की मोहब्बत लोगों ने चौधरी का चांद में भी महसूस की। इस मोहब्बत को मीडिया ने खूब उछाला। फिल्म कागज के फूल से इनकी कहानी पर्दे से होकर दर्शकों की आंखों में उतर गई। इस फिल्म की स्क्रिप्ट गुरुदत्त के निजी जिंदगी की कहानी थी। गुरुदत्त वहीदा के प्यार के चर्चे हर सुबह मचलते, लेकिन वहीदा दत्त ने इन अफवाहों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया और ना ही इसका असर कभी भी अपने पारिवारिक जीवन पर पड़ने दिया। वो कहती कि मैं जितना प्यार गुरुदत्त से करती हूँ, गुरुदत्त भी मुझसे इतना ही प्यार करते हैं। गुरुदत्त उस वक्त किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे। गीता उनकी जिंदगी में तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले गाते हुए आई, लेकिन गुरुदत्त की तकदीर ने उसी वक्त एक बड़ा मोड़ ले लिया। पत्नी गीता दत्त से उनके लंबे वक्त तक टिक ना सकी। 4 साल बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। गीता से जुदाई के बाद गुरुदत्त टूट गए। उन्होंने अपने आप को शराब के नशे में डुबो दिया। गीता दत्त की मासूम मोहब्बत गुरुदत्त वहीदा के आड़े आ रही थी। गुरुदत्त बेहद तनाव में रहने लगे। अंदर ही अंदर न जाने क्या चीज थी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी।
शायद वो सही फैसला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक ओर वहीदा की मोहब्बत थी, गीता से बेवफाई। फिल्म स्टार देवानंद गुरुदत्त के सबसे अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती उस जमाने में हुई जब वो दोनों ही हिंदी फिल्मों में अपने कदम जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी दोस्ती के कई किस्से मशहूर हुए, लेकिन उनकी दोस्ती में सबसे खास बात ये थी कि दोनों ने एक दूसरे को अपना फिल्मी करियर बनाने में भरपूर मदद की। पूरी फिल्मी दुनिया में अगर गुरुदत्त का सबसे करीबी दोस्त था तो वो थे देवानंद। गुरुदत्त और देव साहब में दोस्ती कैसे हुई, इसका वाकया भी बहुत दिलचस्प है। दोनों 1945 में फिल्म हम एक हैं की शूटिंग के दौरान मिले। दोनों की ये पहली फिल्म थी। गुरुदत्त इस फिल्म में कोरियोग्राफी कर रहे थे तो देवानंद अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद और गुरुदत्त दोनों एक ही धोबी को अपने कपड़े दिया करते थे। एक दिन देवानंद ने देखा कि उनकी एक कमीज कम है। उन्हें पता चला कि उनकी कमीज गुरुदत्त के पास है, तो वो उनके पास गए। देवानंद ने गुरुदत्त से कहा कि जो कमीज तूने पहन रखी है वो उनकी नहीं है। गुरुदत्त ने कहा, दरअसल उनके पास दूसरी कमीज नहीं है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ये कमीज पहनी। देवानंद और गुरुदत्त के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे से वायदा किया कि अगर देवानंद कोई फिल्म बनाते हैं तो गुरुदत्त को निर्देशन का जिम्मा देंगे, और अगर गुरुदत्त कोई फिल्म बनाते हैं तो देवानंद को अभिनय का मौका। देवानंद ने जब अपनी कंपनी नवकेतन प्रोडक्शन खोली